सबसे पहले मैं जो हमारे साथी बैठे हैं और मीडिया के जो हमारे परिवार के साथी है सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और 1 अक्टूबर को जींद की पावन धरती के ऊपर बेस संकल्प रैली होने जा रही है, ये ऐतिहासिक रैली होगी, इसमें कोई दो राय। जहां तक कि समाज का सवाल है, बेस समाज और व्यापारी वर्ग, ये केंद्र की किसी की भी सरकार हो या रही हो या प्रदेश में हो, हर सरकार को सबसे ज्यादा सहयोग हमारा रहता है। सरकार का खजाना भरना हो, सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में धन हम देते हैं। उसके बावजूद जब सरकार से कुछ लेने देने की बारी आती है, उस समय सरकार द्वारा पूरी तरह से अनदेखी समाज की जाती है, जो निंदनीय भी है, जिसे सहन भी नहीं किया जाएगा। आप देखिए, आप लोगों के आशीर्वाद से 267 एकड़ के अंदर अग्रवा मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, आपके आशीर्वाद। और समाज ने रात दिन मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों पर उसको लेके गए हैं, 3000 मरीजों की डेली ओपीडी उस मेडिकल कॉलेज में है, जहां बच्चों का एमबीबीएस का एडमिशन का बात आती है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैनेजमेंट कमेटी के पास किसी प्रकार का कोटा नहीं है, जबकि पहले हमारा कोटा होता था। तो सरकार को चाहिए जो एमबीबीएस के स्टूडेंट का एडमिशन हो, उसमें 20% कोटा मैनेजमेंट कमेटी का होना चाहिए, ये जरूरी है। और केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के रेल मंत्री द्वारा अग्रवा धाम के अंदर वार्षिक मेले में एक बार नहीं कई बार अग्रवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा हो चुकी। इसार अग्रवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ने का जो बजट में मंजूरी भी हो चुकी, उसके बावजूद आज तक अग्रवा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। सरकार को अपने वायदे के अनुसार वो भी जोड़ना चाहिए। तीसरा, अग्रवा महाराज अग्रसेन जी की धर्म नगरी है, वो उसी को सरकार को अग्रवा को पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, ये हमारी मांग है। सबसे मोटी बात यह है, समाज ने, अग्रवाल समाज ने रात दिन सेवा करते हुए अग्रवा के विकास के लिए पूरा कार्य कर रही है। यहां तक कि महाराज अग्रसेन जी ने गरीबों को ऊंचा उठाते हुए समाजवाद को बढ़ावा दिया, वहां पर्यटन स्थल बनना चाहिए। जो अग्रवा धाम 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है और लगभग 20 एकड़ जगह हमारे साथ और भी हमारे पास है, टोटल 50 एकड़ जगह है। डेली अग्रवा धाम के अंदर देश के कोने कोने से हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अग्रवा धाम के बिल्कुल साथ लगता हुआ 125 एकड़ के अंदर महाराज अग्रसेन जी का महल था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। सरकार ने अनेकों बार घोषणा कर दिया, बजट अलाट कर दिया, मगर थोड़ी बहुत 5% एक बार खुदाई हुई थी बहुत पहले, उसके बाद कोई खुदाई नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं।
उस टेली की खुदाई का काम सरकार को तुरंत प्रभाव से शुरू करना चाहिए। हमने 30 करोड़ की लागत से अगला धाम के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 म्यूजियम बना रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एवं इंटीरियर काम चल रहा है। तो जो खुदाई में सामान निकलेगा वो हम महाराजा अग्रसेन जी के म्यूजियम के अंदर अगला धाम के अंदर रखेंगे, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पे चलकर ज्यादा ज्यादा राष्ट्र में जनता की सेवा कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये करना चाहिए। और सरकार को अगरवा के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन देना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए, ताकि वो नगरी, उस नगरी को अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से हम बसा सके। देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सीधी ट्रेन आती है, बंबई सीधी ट्रेन हिसार की है, अगरवानी है, हमें वहां बसें लगानी पड़ती है, 800 आदमी आ गए, कारे बसें लगा कर वहां धाम में लेकर जाते हैं। कभी मध्य प्रदेश से आती है, कभी कलकत्ता से आती है, कभी यूपी से भी आती है, दूर दूर से लोग वहां अगरवा धाम के अंदर आते हैं। 280 कमरे जो यात्री आते हैं, श्रद्धांजलु आते हैं, उनके ठहरने के लिए 280 कमरे वहां हमने बनाए हुए हैं, 12 हॉल बने हुए हैं। ये सब काम आप लोगों के आशीर्वाद से हुए हैं। और 1 तारीख का रैली का मतलब ही एक है, समाज को जोड़ना, समाज की समस्याओं को उठाना और समाज के लोगों की समस्याओं को हल कराना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी भारी पीड़ा जो हमारे युवा बच्चों को है, जो समाज के लोगों को है, 95% नंबर लेने वाला हमारा बच्चा, उसका सरकारी नौकरी नहीं है, उसको कॉलेज में एडमिशन जल्दी से नहीं है, 35% नंबर लेने वाला बच्चा को नौकरी भी मिलती है, एडमिशन भी मिलता है। जब कोई लेने की बात आए अलग बात है, जब समाज से और किसी ने, सरकार ने लेना हो तो क्या कहते हैं, बामा शाह की औलाद, ये अग्रवाल है, व्यापारी है, भाई तुम तो हमें चंदा दो, धर्मशाला बनानी हो पैसे दो, मंदिर बनाना हो, गौशाला बनाना हो, मेडिकल बना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, तो भाई बामा शाह की औलाद याद आवे। जब किसी राजनीतिक पार्टी ने रैली करनी हो तो उसकी व्यवस्था करनी हो तो बामा शाह की औलाद याद आवे। जब कोई देने की बात आए तो तुम क्या करोगे, तुमने व्यापार करना, व्यापार करो, फैक्ट्री चलाओ, मौज मारो, उस टाइम कोई सुनाई नहीं होती। मेरी समाज से, पूरे देश के समाज से मेरी अपील है, भाई एकजुट हो जाओ, लाठी टेक लो, जो आपकी सुने उसकी आप सुनाई करो, जो आपकी नहीं सुने उसकी सुथरी लाठी टेकने का काम समाज के व्यक्ति को करना चाहिए। ये मेरी समाज से आह्वान भी है और अपील भी है, और आपके माध्यम से कह के भी जाता हूँ, हरियाणा की बात नहीं, पूरा देश की बात करता हूँ, पूरे देश के अंदर कहीं भी मेरे व्यापारी के साथ, मेरे समाज के व्यक्ति के साथ किसी जाति करने की कोशिश की, बीच में चेपने का काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा खुला आह्वान है। और एक बात और कहता हूँ, अगरवा धाम सबका धाम, अगरवा धाम के साथ पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है, जितनी भी हमारी समाज की लाखों संस्था है, सब अगरवा धाम के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, हम आपके साथ हैं, कहीं जाती होगी उसका हम पूरी तौर हमेशा हमेशा साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहे हैं। तो जीन की पावन धरती, कितनी बार जुल्म हुआ, बंसल जी का कत्ल हुआ, या कितने लूटपाट हुई, स्मितों कितने कत्ल हुए, नरवाना में क्या हुआ, उचाने में क्या, छानी किसी से नहीं है, मगर मैं आपका धन्यवाद करूंगा, मीडिया के साथी का और हमारी टीम का धन्यवाद करूंगा, महावीर भाई का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने
रात देखी ना दिन देखी, बदमाशों के सामने तन के खड़े हुए, लड़ाई लड़ी। जो पुलिस वाले दल्ले थे, जो बदमाशों से मिले थे, कुछ और लोग मिले थे, उनको भी खुंडे लाइन लगाने का काम किया, पीछे नहीं हटे। ये फिर कह के जाता हूं, कोई बदमाश कालर खड़ी करके बदमाशी करेगा, कोई सरकारी अधिकारी मेरे व्यापारी को तंग करेगा, मेरी कालर पकड़ के घर बिठाने का काम पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। किसी प्रकार की डरने की बात नहीं है, ना हमारे भय, ना हमारा डर है, ना हमने सीखा। भाई 63 साल हो गए, इतनी उम्र हमारी टपकी कि तो जाने का टाइम आ रहा है। हम तो चाहवा कोई बदमाशी मारे गल करे, हम आमने सामने की सरकार हो, मैं खुले तौर कहता हूं, कोई बदमाश हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई मारे गल आमने सामने हो तो हम उसकी बतावा। ये बदमाशी कुकर हुआ, बदमाशी काटनी मारको आती है, बदमाशी नहीं होने देंगे। और खुला आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, व्यापारी खुले रूप से, उद्योगपति खुले रूप से अपना व्यापार करे, चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई जो टैक्स टूक तो सरकार ने बढ़ा दी, उसकी इलाज नहीं, वो अलग बात है, मगर व्यापार करने के अंदर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आन देंगे। आपको पता है कितने मामले यहाँ हुए हैं, हर मामले के अंदर आपके आशीर्वाद से हमारा व्यापारियों को राहत मिली है। आप लोगों की कृपा से लगा लो, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मीडिया जगत ने लगाया, सारे संगठन एक होकर चले हैं और एक होकर आगे भी चलेंगे, सब हम एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, यही मुझे कहना है। एक बात सुनो, अग्रवाल समाज ना तो किसी के बिका है, मैं खुला कह रहा हूं, ना अग्रवाल समाज किसी के दबा है, अग्रवाल समाज उसके साथ है। जो पार्टी अग्रवाल समाज की हित की बात करेगा, जो पार्टी अग्रवाल समाज को आगे लाने का काम करेगी, जो पार्टी ज्यादा ज्यादा प्रतिनिधि हमारे समाज के व्यक्ति को देगी, उसका साथ देंगे। और जो बदमाशी करेगी उसको हम नीचे, वो कहते हैं जो हमारा साथ देगी उसकी बल्ले बल्ले, जो बदमाशी करेगा उसकी थल्ले थल्ले करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं खुले तौर पर कहता हूँ। ओहो समझे नहीं, सुनो एक बताओ, लाने वाले थे, आज आपने भी पता है, आपने ही पता है, मैं खुल के अली बात कहना नहीं चाहता, आप सब समझते हो। 9 साल में आपके साथ बदमाशी की है, साथ दिया है। सुनो 9 साल के बाद तो आप व्यापारी पे जाकर पूछोगे ना, वो बतावेगा कि मार्केटिंग क्या करे। 9 साल में टैक्स बढ़ाने के सिवाय 1 रुपए की राहत नहीं मिली, इसमें कोई दो राय, खुले तौर पे कहता हूं, 1 रुपए की छूट नहीं, 1 रुपए की राहत नहीं, एक इसके अंदर काम, इतने काम आपके सामने गिनाए हैं, ये सारे काम मैं वो गिनाने जा रहा हूं जो अगला धाम के स्टेज के ऊपर केंद्र के मंत्री जिनके महकमे थे जो घोषणा करके गए थे, एक भी काम नहीं है, वो मैं वो गिना रहा हूं, मेरी पीड़ा सुना रहा हूं, समाज की पीड़ा सुना रहा हूं। अरे एक बात और सुन लो, आज आप जाकर देखो, आपने अगला धाम नू लगेगा भाई, कहां मुशरफ के अंदर आगे इतना बढ़िया बना है, रात दिन काम चल रहा है, 12 महीने एक दिन भी हमारी करनी नहीं रुकती, कुल देवी माता लक्ष्मी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसके साथ देवी देवता हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो, वो किसी डरता है क्या, इंसान के मारे कोई मरता है क्या, हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, सरकारें आनी जानी है, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा व्यापारी सर्वोपरि है। मैं पहले भी कहता हूं, मुझे ना कोई टिकट की जरूरत, ना मुझे चुनाव की जरूरत, मुझे तो मेरे भाइयों की जरूरत है, मेरा समाज का व्यक्ति हरियाणा में कहीं भी चुनाव लड़ेगा उसकी इमदाद करूंगा, पूरी पूरी टीम करेगी, आपने देखा है पूरी टीम काम भी कर रही है, दिन में क्या पूरे हरियाणा में काम कर रही है, आपके सामने बैठे टीवी में चाय पीने गया था, 300 आदमी वहां इकट्ठे हो रहे थे, वो चाय के नाम पर बाजार के अंदर सारे इकट्ठे थे। कहने का मतलब ये है, लोगों में उत्साह है, लोगों में पता है कि आपके हित की बात कौन कर सकता है, आपके हित को स्थिति कौन खड़ा है, नू बताओ,
कोई कमांडर फद्दू हो उसको देखा है? बस का ड्राइवर कमजोर होगा और वो बस चलाओगा, 70 आदमी लेगा, खड्डे में भी गिरा, खुद भी मरेगा और उन्हें भी मारेगा। अच्छा ड्राइवर होगा, पूरा देश घुमा के ले आवेगा, अच्छा माल खुआवेगा और 70 सवारी ने बढ़िया ढंग से घर में उतारने का काम करेगा। वो हमारी टीम है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, हमने जनता इसके काम करे है, मेरी टीम ने जनता इसके काम करे है। एक भी आदमी नु कह दे हमारी टीम ने स्वार्थ के लिए बिकने का काम किया हो, स्वार्थ के लिए किसी व्यापारी के हम ना खड़े हुए हो। मगर दुख जब होता है जब हमारी टीम लड़ाई लड़ती है, थानेदार से लड़ती है, सारे अधिकारी लड़ती है, जिसकी लड़ाई लड़ते हैं वो पीछे बैग मार जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। आपको ही पता है मैं पीड़ा है, लेकिन 9 साल के दौरान कोई आंदोलन तो खड़ा नहीं हुआ। आंदोलन कोई कर ही नहीं पाया इस सरकार में। मेरे कांग्रेस छोड़ो आप, मैं कांग्रेस छोड़ो आप, मैं कहता हूँ नौ एक सवाल है। आपने व्यापार मंडल के तहत भी मुझे की थी 40 सीटों में लड़े हुए, बहुत पुरानी बात, तब भी एक भी नहीं लड़ा था, अब फिर वही इतिहास हो रहा है। नहीं फर्क है, इसमें क्या फर्क है? सारा फर्क है, आप सुन लो क्या फर्क है। हमने क्या कहा है उस टाइम भी क्या कहा था, हमने ये कहा था भाई 40 सिट्टे ऐसी, आज भी कहता हूं ऐसी सिट्टे हैं जहां हमारे व्यापारी समाज के व्यक्तियों का दबदबा है और वहां भी जीत सकते हैं। आज भी कहता हूं हमारे आदमी जीत सकते हैं और हमारे आदमी की हम मदद करेंगे, हमने करी भी है। आपको पता भी होगा यहां जब मांगेराम जी लड़े चुनाव, हर बार मैं चुनाव के अंदर आया हूँ, बाजार के अंदर जलसे करे जुलूस करे, हमने मदद करी है। आप कौन सा ले लो, आप सिंगला जी के भी आया हूँ, सुन तो बात लो गुरु जी सुन लो, कमाल कोनी ये बिरजू का छोला लड़ा था, तो कौन आया था जो जो जो, जो मलिक साहब बैठे पूछ ले रहे अभी, तो अभी कंप्यूटर भी था, हम भी आए। सुनो तो दिक्कत है क्या? एक समाज का आदमी, चार आदमी चुनाव लड़के दिक्कत क्या है? अच्छी बात है, जागृति आनी चाहिए, क्यों नहीं आवे? सुनो हमने तो एक बात है, हमने तो भाई लाठी टेकनी है और टेक रखी है। कोई नू कह दे कोई फंडे खा रहे फंडे का, एक आदमी नू कह दे 9 साल हो गए, 9 साल में एक दिन हम चुप बैठे हो और जहां भी जाती हुई है हम ना खड़े हुए हो, हमने संघर्ष नहीं किया हो, लड़ाई ना करी हो, दुकानें बंद ना करी हो, प्रदर्शन ना करे हो, आप बता दो एक आदमी को बता दो भी वहां के ऊपर हमने कमी छोड़ी हो। अरे वो लोग थे जो दुम सुकुआ में सारी बातें लोग भागे मैदान छोड़ छोड़ के आए। आपको तो इनाम मिल गया था, थोड़ा इनाम दे दिया। सुन ले इनाम सुन लो, ये इनाम जो कहो ना आप, जो 5-7 लाख की गाड़ी, इसी गाड़ी थी उन्हें मुरे लोग बैठे 5-5 लाख करोड़ की गाड़ी देने तैयार बैठे हैं, समाज पहले हैं। मैं आप सुनो ना गलत बात मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए हमने काम किया, सुनो 10 साल में चेयरमैन रहा, सुन ले बात, 10 साल चेयरमैन रहा, एक आदमी नु कह दे भाई कोई कमी छोड़ी हो, 10 साल में 1 रुपये किसी चंदा, 40 साल में 1 रुपये चंदा चिट्ठा लिया हो और हाथ पकड़ कर काम नहीं करो, अरबों रुपए के टैक्स हमने माफ करवाए, हलवाइयों पर, दवाइयों पर, घी पर, खल पर, चूरी पर, दालों पर, एक आइटम ला सकता हूँ वो हमारी हिम्मत है, हमने अपना खून लगाकर और छाती लगाकर काम करवाए हैं, लोगों की तैयारी करी, घर के अंदर दुबके बैठे हैं। देखो मलिक साहब ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया, हमारे 18 विधायक होते थे, एमपी भी होते थे, 2 मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बने, समाज क्या है, समाज ज्यादा हमारा व्यापार में लग गया, उद्योगों में लग गया, काफी लोग हरियाणा छोड़कर विदेशों में चले गए, कोई बम्बे चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई सिलीगुड़ी चला गया, तो लोगों ने व्यापार की तरफ ज्यादा ध्यान दे दिया, जिसके कारण हमारा समाज राजनीति से पिछड़ गया, इसमें कोई दोहरा नहीं। हम ये कहते हैं कि व्यापार जरूरी है, व्यापार भी करो,
अपने परिवार का पालन पोषण करो, व्यापार करेगा तभी तो दो पैसे आएंगे, जभी तो वो धार्मिक सामाजिक काम पूरे करेगा, पर उसके साथ साथ राजनीतिक में हिस्सेदारी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सरकार के सारे काम पूरे नहीं हो सकते। अगर हमारी सरकार नहीं थी, कैंसर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर सरकार से लेटर मिलने के बावजूद भी हम नहीं बढ़ा पाए, 120 करोड़ की लागत थी, 60 करोड़ रुपए हमें जमा कराने थे, पहली चोट पर 60 करोड़ हम जमा कराने के लिए तैयार, हमने उद्घाटन कर आधारशिला रख दी, फंक्शन कर लिया, बाद में सरकार हमें नाट गई, हमने कहा नाटते ना सरकार भूखी है कोई बात को नहीं, हम 120 करोड़ लगाएंगे, हमने 120 करोड़ रुपए देने कर दिए, मगर आज तक हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी नहीं मिली, वो काम अधूरा पड़ा है। मेरे साथियों, ये कैंसर हॉस्पिटल बदरंग के काम नहीं आना था, या कोई बढ़िया काम नहीं आना था, कैंसर हॉस्पिटल उन गरीबों के काम आना था जो हरियाणा पंजाब राजस्थान के जो गरीब पेशेंट थे उनका फ्री में इलाज होता था, होता आज 10-10 लाख रुपए देगा कौन गरीब आदमी इलाज कराएगा। मैं आपके सामने क्या चुका हूँ, मैं खुला मैं नहीं समझे आपके सामने जो मेन कहानी आपके सामने आ गया, जो शक्तिशाली समाज होता है ना, प्रभावशाली लोग, उसको हर एक आदमी टांग खींचता है, ये आगे ना आ जाए, ये मामा साहब की औलाद आगे ना आ जाए, पैसे खर्च देंगे, दुकान जमा लेंगे, जब लकीर बड़ी होती है ना तो छोटी लकीर वाला कोशिश करता है इनकी लकीर मिटाऊं और मेरी बढ़ाऊं। आप सब समझते हो, और 1 तारीख की रैली का दोबारा कह रहा हूँ, 1 तारीख को ऐतिहासिक रैली होगी, 29 तारीख को अग्रवा धाम के अंदर विशाल मेला लगने जा रहा है, लाखों आदमी आप सड़क अपने अरे चारों तरफ सड़के अगर जाम नहीं पावे तो बजरंगदास गढ़ का कान पकड़ लेना, बजरंगदास गढ़ क्या कहता, इतना बड़ा वहाँ 29 अक्टूबर मेला लगेगा। और आपसे भी अपील है, एक तो आप भाई इंचार्ज हो, आप भी करवाने वाले हो, आपकी पावन धरती पर रहे हो, प्रोग्राम है 29 का मैं नोता देकर जा रहा हूँ, 29 सबना आना है, व्यवस्था ले जाने की लाने की व्यवस्था हमारी होगी, सबना आना है ताकि इनको पता लगे कि आपका प्रोग्राम है। उससे पहले भी आपसे एक अपील करता हूँ भाई, एक टूर बनाओ देखने के लिए, यहाँ से व्यवस्था करेंगे आपको लाने ले जाने की, एक दिन संडे आप प्रोग्राम बनाओ, उस दिन मैं भी मिलूंगा, वहीं हम खाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे भाई वैश्य समाज ने कितना बढ़िया काम अग्रवाल धाम का और मेडिकल कॉलेज का किया है सिर्फ जनता के लिए। आप देखोगे 90% सभी बरादरी के लोग है, 10% तो समाज के लोग आते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, 99% गरीबों का इलाज होता है, 1% ही ऐसा आदमी होगा जो इलाज कराता है। आपके सामने हर प्रकार की फैसिलिटी, सब टेस्टिंग अल्ट्रासाउंड मतलब इसी सब मशीनें वहाँ लगी हुई है, सारी पूरी व्यवस्था वहाँ है, और ठहरने की भी होटल हमारे मेडिकल कॉलेज में बने हुए। हमारा किसी के खिलाफ किसी पार्टी के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, अपनी बातें जरूर कहेंगे, अपनी मांगे जरूर कहेंगे और समाज को संगठित करने का आह्वान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शोकेस हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। ये। और वो ए कमेंटर, वो जरूर करें, अगर को कमी पेशी लागत है।